आज हम देखेंगे सी वी सी वर्ड्स। हमने आगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में आगे जान लिया कि कॉन्सोनेंट्स क्या है और वॉवल्स क्या है। आज हम जानेंगे कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स की मदद से कैसे वर्ड्स बनाते हैं। ये टू वर्ड्स ब्लेंडिंग है और ये थ्री वर्ड्स ब्लेंडिंग है। सबसे पहले सी वी सी वर्ड्स बनाने के लिए हमें अल्फाबेट का साउंड क्लियर होना चाहिए। पहले वॉवल्स, पहला वॉवल से हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स बनाने के लिए। पहला वॉवल से ए, तो ए का साउंड क्या है? ए। यहाँ पे मैंने पिक्चर रेडी किया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ए और डी, यानी कि ये दोनों मिक्स करके एक वर्ड्स बनता है। बट ऐसे पढ़े कैसे? तो इसे पढ़ने के लिए हमें साउंड जरूरी है, सबका साउंड हमें पता होना चाहिए। तो ए का साउंड है ए, डी का साउंड है ड, एम का साउंड है म, एन का साउंड है म, जी का साउंड है ग, टी का साउंड है प, टी का साउंड है ड। तो देखिए ए ड, यानी कि ए ड, यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल रेडी किया हुआ है। ए प्लस डी टू वर्ड्स ब्लेंडिंग है, तो इसे कैसे पढ़ते हैं? ए ड। अब इस टू वर्ड्स ब्लेंडिंग को हम थ्री वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैंने स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो इसे कैसे पढ़ते हैं? ये तो हमें पता है पीछे का जो आगे मैंने बताया एक्ट एक्ट, बट ये पूरा कैसे पढ़ते हैं? तो डी का साउंड है ड, यानी कि ड एक्ट, यानी कि डैट। स एक्ट, यानी कि सैड। एक्ट यानी कि मैड। ब एक्ट यानी कि बैड। ल एक्ट यानी कि लैड। आगे देखिए ए प्लस